हेलो एवरीवन, मैं नीरज आप सभी लोग का हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो बिहार से बाहर है, लॉकडाउन के कारण बिहार नहीं आ सके हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो एक सहायता अनाउंस की है कि 1,000 रुपये का जो आर्थिक सहायता दिया जाएगा बिहार से बाहर जो लोग भी ले हैं, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको ही बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 1,000 रुपये बिहार के ऐसे मजदूर जो बिहार से बाहर है लॉकडाउन के कारण नहीं आ सके हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, उस प्रॉब्लम का मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा वीडियो जरूर आप लास्ट तक देखेंगे, समझ जाएंगे आप सबको कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना है, वो आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा है, मैं बोर्ड पे भी आप लिख दे रहा हूँ, apda.bis.nic.in। इस साइट पे आप विजिट करेंगे तो इस साइट यही साइट बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसपे आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे नीचे पे आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे, कुछ देर के लिए आपका डिस्प्ले पे डिस्प्ले होगा। इस स्क्रीन पर आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोरोना संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन ओपन होगा, तो जिसमें आपका सिंपल सा पर्सनल डिटेल पूछेगा, जैसा कि आपका आधार नंबर, ठीक है, बैंक डिटेल। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि बैंक जो खाता है वो बिहार का होना चाहिए, जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर है और इस मदद की मतलब इस सहायता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका जो अकाउंट है वो बिहार के किसी भी बैंक में होना चाहिए, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। उसके साथ साथ आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मोबाइल पर आपका मतलब आपको पर्सनल डिटेल अपना सब फिलअप करना होगा, जो भी उसमें डिटेल पूछेगा उतना आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। और एक आपका सेल्फी भी उसमें अपलोड करना है, ठीक है, ये बताया गया है। तो इस तरह से आप इस साइट से विजिट करके और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद अपना डिटेल्स को फिलअप कीजिए और फिलअप करने के बाद आपको सहायता प्रदान की जाएगी सभी का। मैं जो आपको स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे आपके वीडियो में बीच में ही दिखेगा वो सभी स्क्रीनशॉट। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि थोड़ा सा मैंने भी चाहा कि उस ऐप को डाउनलोड करके मैं चाहता था कि आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह से कौन कौन से इन्फॉर्मेशन फिलअप करने हैं, बट मैं फिलहाल अभी लगभग 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन में शायद मेरे ख्याल से साइट पर कुछ एरर है, वो इस एरर के कारण एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है, बीच में स्टॉप हो जा रहा है, पेंडिंग हो जा रहा है। और एक दो एप्लीकेशन डाउनलोड भी हुआ, मतलब उसी का मैंने 2-4 मैंने बताया 2.5 घंटे से मैं यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ कम के भी का डाउनलोड हो जा रहा है, कम साइज, और वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो इससे आपको घबराना नहीं, हो सकता है कि जो भी सरकार है उसको इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर ले, टेक्निकल जो इशू आया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि साइट जो बनाया गया इस पर बहुत सारे लोग एक ही साथ एक्सेस कर रहे हो, इस वजह से एप्लीकेशन डाउनलोड करने में भी ये प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि ये साइट ये जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, बिहार सरकार की इस वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। तो यहाँ से आप लोग डाउन करने का प्रयास करते रहिए, शायद हो जाए। फिलहाल तो मैं कब से कर रहा हूँ नहीं पता, मैंने जो टेक्निकल स्टाफ का जो उसमें नंबर दिया गया उन सभी लोगों को मैंने कॉल करने की कोशिश की, बट उन किसी का नंबर लगा नहीं। ऐसे इसकी रिगार्डिंग मैंने मेल कर दिया है, तो ऐसे कुछ भी अपडेट आता है या जब भी डाउनलोड होने लगेगा तो मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके और आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे मतलब अपने डिटेल को फिलअप करेगा। फिलहाल आपको शायद इस वीडियो से कुछ मदद मिले तो जरूर बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए, मैंने आज मदद कर सके आप लोगों को जैसे भी हो सके। और इस वीडियो को आप बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए जिनको पता नहीं हो, कम से कम वो साइट को विजिट करते रहेंगे और जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड होता है अपना फॉर्म जो है फिलअप कर देंगे, ताकि उनको 1,000 रुपये की सहायता प्रदान हो जाए, ठीक है। तो मेरा ये मेन मोटिव था, जो ये इतना ही था इस वीडियो को बनाने के लिए। और वीडियो को आप जरूर जितने सारे बिहार के लोग हैं उन सभी लोग को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको कुछ मदद हो, ठीक है। और अगर मिलते किसी अगले वीडियो में, और अगर बिहार के आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में देखेंगे बीच बीच में कहाँ पे क्या लिखा गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नया कुछ अपडेट आएगा तो मैं अपने एफबी अकाउंट पे भी कुछ मतलब अपडेट दे दूंगा, अगर इसकी डाउनलोड होने लगता है तो, ठीक है। और कुछ ज्यादा बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो वेट करते रहिए।